राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो देखो, ये वैसाख का महीना चल रहा है, बहुत ही दान पुण्य का महीना है और आप इसमें हर प्रकार का दान कर सकते हो, बहुत ही पुण्य मिलता है। और वैसाख का स्नान नहीं कर पा रही हैं तो आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो सिर्फ 5 दिन का व्रत आप कर लीजिएगा और कथा कहानी डेली सुन ले में, उसी से पुण्य मिल जाएगा। आइएगा वैसाख के स्नान की कहानी सुनते हैं। बांदरी वाली, एक नगर में एक राजा रहता था कि उसने निर्णय ले रखा था कि मैं सबसे पहले स्नान करूंगा। तब वो जमुना नदी पे स्नान करने के लिए जाता तो वहां पर उसको पानी हिलता हुआ मिलता और घाट भी गीला मिलता। वहां पर एक नदी के किनारे एक वृक्ष था, उसमें एक बांदरी रहती थी। वह उससे पहले स्नान करके चली जाती, पेड़ पर बैठ जाती। तब राजा ने है जो वहां पर पहरेदार रखवा दिया कि कोई भी आवे तो उसने ये घोषणा कर रखी थी कि जो कोई स्त्री मेरे से पहले स्नान करेगी तो उससे मैं विवाह करूंगा और जो कोई पुरुष स्नान करेगा तो उसको आधा राज्य दे दूंगा। ऐसे करते करते पूरा वैशाख का महीना निकल गया। पुन्नू का दिन आया तो उस दिन है जो पहरेदार ने उस बांदरी को स्नान करते हुए देख लिया, उसको पकड़ कर लेकर राजा के पास लाए और राजा से बोले कि ये बांदरी आपसे पहले स्नान करती है। तो राजा ने पहले घोषणा कर रखी थी ही कि निर्णय ले रखा था, इसके कारण उसको बांदरी से विवाह करना पड़ा। तो राजा के और भी अन्य रानियां थी, उसने राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वो वैशाख के महीने के स्नान के प्रभाव से वो गर्भवती रह गई। बांदरी ने राजा से बोला कि राजा, तब मेरा बच्चा पैदा होगा, मैं कैसे क्या कर पाऊंगी। तब राजा ने कहा कि मैं सब बंदोबस्त कर दूंगा, आप ये, राजा ने घंटी लगा दी और बोला कि ये घंटी को आप बजा देना। वो घंटी लगी हुई देखकर और अन्य रानियां पूछने लगी बांदरी से कि ये घंटी कैसे लगाई है। तब उसने सारी बात उसको बता दी। तब एक रानी बोली कर बजा के देखो राजा आते हैं या नहीं आते हैं। तो बांदरी ने रानी के कहने से वो घंटी बजा दी। राजा दौड़ा दौड़ा आया और बांदरी से पूछा कि ये घंटी बजाने का क्या कारण हुआ। तब बांदरी ने कहा कि मैं तो रानियों के कहने से घंटी बजाई थी। राजा को बहुत ही गुस्सा आया, उस घंटी को हटा दिया। अब बांदरी के पूरे 9 महीने होने को आया, तब उसका पेट दुखने लगा। तो अन्य रानियों से बोला कि अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं। तो सब रानी बोली करे आप तो आंखों के पट्टी बांध करके नहीं, आप सो जाओ। बांदरी ने रानी के कहे अनुसार आंखों के पट्टी बांध कर सो गई। तो उसके वैशाख के स्नान के प्रभाव से बहुत ही सुंदर एक लड़का हुआ। वो लड़का रोया उससे पहले ही रानियों ने दासी को उसको दे दिया और कह दिया कि इसको नदी में बहवाने के लिए दे दिया और उसकी जगह पत्थर को सुला दिया। और राजा को भी कहवा दिया कि बांदरी के तो पत्थर हुआ है। राजा ने ये सुनकर संतुष्ट कर लिया कि और ही रानियों के कुछ संतान नहीं है तो ये तो पशु है, ये तो बांदरी है, इसके तो क्या बच्चा होने वाला है। ये संतुष्ट करके राजा ने भी संतुष्ट कर लिया। तब वो रानी, वो दासी उसको बालक को लेके गई तो नदी में तो वो नहीं बहवा पाई, पर कुमार का चाक था उस पर उसको छोड़ कर के नहीं आ गई। सुबह कुमार और कुम्हारी वहाँ चाक पर आए तो वहाँ एक बालक रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर केनी उन्होंने उसको गोद में उठा लिया और कुम्हार कुम्हारी आपस में कहने लगे कि अपने भी कोई संतान नहीं है, भगवान ने अपने लिए पुत्र भेजा है। ये कहकर उन्होंने उसका पालन पोषण कर लिया। लड़का बड़ा होने लग गया, कुछ समझदार हो गया। तब उसने पता लगा लिया कि मैं बांदरी का लड़का हूँ। एक दिन कुम्हार कुम्हारी से बोला कि मुझे मिट्टी का हाथी घोड़ा बना दो। वो मिट्टी का हाथी घोड़ा लेकर के नी कुआ की पाल पे बैठ जाता है। उधर सारी दासियां आती हैं, कुआ की पाल पे बैठ जाता है।
तब वह मिट्टी का हाथी घोड़न को लेकर के निकुआ के पाल पे बैठ जाता है। उधर वो दासियां हैं जो पानी भरने के लिए आती हैं, उनको देख कर केनी कुम्हार का लड़का कहता है कि आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ो पानी पी लो। ये कुम्हार की बात सुनकर केनी वो जोर जोर से हंसती हैं और कहती हैं, अरे मूर्ख, मिट्टी के हाथी घोड़े भी कहीं पानी पीते हैं क्या? कुम्हार का लड़का कहता है कि जब रानी के पत्र पैदा हो सकता है तो मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पी सकते हैं। वो दासी ये बात समझ चुकी थी कि यह बांदरी का लड़का है। जाकर के नी रानियों को कहने लगी कि सारी बात बता दी। तब रानियों ने राजा से कहकर के नी कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। वो जाके और एक वन में चले गया, वहाँ रहने लग गया। कुछ दिन बाद में चैत का महीना आया। रानी दास सारी दासियों और रानियों की लड़की हैं जो उस बाग में मिट्टी लेने के लिए गई गणगौर बनाने के लिए। तब वहाँ झूला डल रहे थे, वे खेलने लग गई, झूला झूलने लग गई। उनको बहुत ही प्यास लगी आई। इधर कुम्हार का लड़का मिट्टी का मटका लेकर के उसमें पानी भर के पीपल के नीचे बैठ गया। तब वो लड़की को ज्यादा प्यास लगने लगी तो वो कहने लगी कि हमें पानी पिला दो। लड़का कहता है कि मैं कहूँ जैसे करोगी तो मैं पानी पिला दूंगी। आप मेरे चारों मेर मेरे फेरे लगाती जाओ, मैं आपको एक एक पानी पिलाता जाऊंगा। तब लड़कियों ने मना कर दिया। फिर ज्यादा प्यास लगने लगी तो लड़कियों ने हाँ कर लिया। तब एक एक उसके फेरा लेती गई और उनको पानी पिलाती गई। इस तरीके से वे आपके मिट्टी लेके घर आ गई। साल 6 महीना निकल गया। उनके माँ बाप उनके घर को जा उनके घर पर देखने के लिए कहीं जाता तो उनके सावा निकलवाए तो सावा ही नहीं निकला। उनके माँ और कोई देखने ही नहीं आता। उनके माँ बाप की चिंता बढ़ गई। तब एक बुढ़िया को बोला कि आप जाकर के नहीं इनकी बातें सुना करो। तब वे सारी लड़की आती इकट्ठी होकर के नहीं आती, वे आपस में बातें करती हैं तो वे एक बुढ़िया उनके पास आके बैठ जाती है। तब एक लड़की कहती है कि आप हमारी बातें सुन रही हो? तब वो बुढ़िया कहती है, नहीं नहीं मैं आपकी बातें नहीं सुन रही हूँ, आप बात करो, मैं तो इधर मुंह करके बैठी हूँ। तब वो लड़की आपस में बातें करती हैं कि अपना सावा क्यों नहीं निकल रहा है, अपन ने कुमार के लड़के के साथ फेरा ले लिया इसलिए अपना सावा नहीं निकल रहा है। ये बात बुढ़िया ने सुन लिया और वो लड़की इनके अपने माँ माँ को आकर बता दिया, माँ बाप को आकर बता दिया। तब वो उसके माँ बाप कुम्हार के घर गए और कुम्हार कुम्हारी से कहने लगे कि हमारी बेटियों ने आपके बेटे के साथ में फेरा ले लिया इसलिए आपको तो हमारी बेटियों से विवाह कर आपका बेटा के विवाह करना पड़ेगा। तब कुम्हार कुम्हारी बोले कि इतनी सारी पत्नियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा? और बेटा से पूछ लो। बेटा से जाकर पूछा तो वो बोला कि मैं तो सब संभाल लूँगा। तो वो सारी लड़कियों की कुम्हार के लड़के के साथ में शादी कर देते हैं, खूब सारा उनको धन देकर के निविदा कर देते हैं और सभी उनके सब बन के एक एक लड़का पैदा होता है। एक दिन बांदरी का लड़का सोचता है कि आज अपन महल में चलेंगे। सभी अपनी रानियों से कह दिया कि आप अच्छी तानी से ओढ़ फेर के तैयार हो जाओ। सारी ओढ़ फेर के तैयार हो गई और उनको समझा दिया कि एक बांदरी बैठी मिलेगी, उसी के पैर छूना, बाकी और किसी के भी मत छूना। सबको लेकर के नी महल में गया राजा से मिलने के लिए। तब और अन्य रानियां भी वहां के खड़ी थी पर एक बांदरी बैठी थी, उन्हीं का सबन ने पैर छुआ। तब सब रानी बहुत ही नाराज हुई कि ये बांदरी का पैर छूती है, हमारा पैर क्यों नहीं छुआ? तब वो कहता है कि ये मेरा बांदरी मेरी माँ है इसलिए इसका पैर छूती हैं। तब उनमें से एक रानी बोली कि कुम्हार के बेटा की अभी मस्करी करने की आदत गई नहीं है, अभी भी मस्करी कर रहा है।
तब वो कहता है कि मैं मस्करी नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है, नहीं मानो तो आप ये दासी से पूछ लो। तब राजा ने वो दासी से पूछा कि क्या बात है, ये क्या कहता है। तब दासी ने बताया कि ये सही बात है, ये बांदरी का लड़का ही है और मुझे रानियों ने भेजा था, इसलिए मैंने कुम्हार के चाक पर इसको छोड़ दिया था, ये सही बात है। तब राजा ने उनको सबन को उस महल में रख लिया और अन्य रानियों को देश निकाला दे दिया। तब वो सुख से रहने लग गए, उनका घर घर वासा हुआ, उनके पास वो राजा रहने लग गया। वैशाख के प्रभाव से उनको सब कुछ मिल गया। हे वैशाख परमेश्वरा, जैसे वो बांदरी को अपना बेटा मिलाया, जैसे सब कोई कोई मिलाना और अधूरी को पूरी करना, पूरी का प्रमाण करना। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।